आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एक महिला और पुरुष की बढ़ती उम्र का उनके फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी प्रेगनेंसी आने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कॉमन सवाल है जो हम फर्टिलिटी एक्सपर्ट से अक्सर किया जाता है, व्हाट इज़ द राइट एज टू प्लान प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी प्लान करने की सही उम्र क्या है। अफकोर्स सही उम्र वो है जब दोनों पार्टनर्स शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रेगनेंसी लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि साइंटिफिकली ये एक प्रूवन फैक्ट है कि बढ़ती उम्र के साथ महिला और पुरुष दोनों की प्रेगनेंसी आने की क्षमता कम होती जाती है। पुरुषों के विपरीत महिलाओं में अंडों का नंबर यानी उनकी संख्या बचपन से ही तय हो जाती है। जब एक लड़की अपनी माँ के गर्भ में होती है तब उसके दोनों अंडाशय के अंदर अंडों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जो कि लगभग 4 से 5 मिलियन होती है। वहीं से अंडों का नष्ट होना शुरू हो जाता है और ये नंबर जब एक लड़की जन्म लेती है तो केवल 2 से 3 मिलियन रह जाता है। जब एक लड़की का मासिक चक्र शुरू होता है तो ये अंडे का नंबर केवल 4 लाख रह जाता है और इसमें से 400 अंडे ही एक महिला के पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के लिए ओव्यूलेट करने के लिए रह जाते हैं। किसी भी प्रकार की दवा या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इन अंडों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ अंडों की न केवल संख्या यानी क्वांटिटी बल्कि उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी भी कम होती जाती है, जिस वजह से प्रेगनेंसी आने का चांस कम होता जाता है और प्रेगनेंसी आने पर भी पहले 3 महीने में गर्भपात यानी मिसकैरेजेस या बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स होने का चांस भी बढ़ता जाता है। साथ ही बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी आने के कारण कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे बीपी का हाई हो जाना, शुगर का बढ़ जाना, इनका भी चांस बढ़ जाता है। मैं एक उदाहरण देकर आपको ये बेहतर समझाने की कोशिश करूंगी। एक तरफ जहां एक 30 साल उम्र की महिला है जिसका अंडों का नंबर उसके एज के अनुसार नॉर्मल है, हर महीना नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांस उस महिला में लगभग 20% होता है। वहीं दूसरी ओर एक 40 साल की उम्र की महिला जिसके अंदर अंडों की संख्या और उनकी क्वालिटी कम हो चुकी है, यह चांस केवल 5% रह जाता है। इसी तरह पुरुषों में भी यह देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ स्पेशली 40 या 50 साल की उम्र के बाद उनके शुक्राणु की संख्या यानी काउंट, उनकी शुक्राणु की गतिशीलता यानी मोटिलिटी कम होती जाती है और ज़्यादातर शुक्राणुओं में स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आने लगते हैं, जिस कारण से प्रेगनेंसी होने का चांस कम हो जाता है और साथ ही मिसकैरेजेस या बच्चे में आगे चलकर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे ऑटिज्म होने का चांस भी बढ़ जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सही उम्र में प्रेगनेंसी प्लान करने से प्रेगनेंसी आना आसान होता है। बढ़ती उम्र के साथ महिला और पुरुष दोनों की प्रेगनेंसी आने की क्षमता कम होती जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण IVF के थ्रू ऐसे कपल्स में प्रेगनेंसी आने का चांस डेफिनेटली बेहतर हो पाया है, लेकिन सही टाइम पर सही उम्र में प्रेगनेंसी प्लान करने से ना केवल प्रेगनेंसी आने में समय कम लगता है बल्कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांस भी ज़्यादा होता है। धन्यवाद।